चुनाव हारे नवजोत सिंह सिद्धू और ट्विटर पर ट्रेंड होने लगी एक्ट्रेस और द कपिल शर्मा शो की जज अर्चना पूरन सिंह। ये माजरा क्या है, इस पर आगे बात करते हैं, लेकिन पहले बात पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू की हार की। सिद्धू की अमृतसर ईस्ट सीट से 6000 से अधिक वोटों से हार हुई है। उन्हें आम आदमी पार्टी की जीवन ज्योत कौर ने शिकस्त दी। सिद्धू अमृतसर लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर 3 बार सांसद रहे हैं। 2017 में सिद्धू ने कांग्रेस टिकट पर अमृतसर ईस्ट सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की झाड़ू ने सब साफ कर दिया, जिसमें सिद्धू का विकेट भी गिर गया। अब बात करते हैं सिद्धू की हार पर अर्चना पूरन सिंह के ट्विटर पर ट्रेंड होने की। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले तक कपिल शर्मा शो में जज की कुर्सी सिद्धू ही संभालते थे। फुल टाइम राजनीति को देने की वजह से सिद्धू ने खुद को कपिल शर्मा के शो से अलग कर लिया और अर्चना पूरन सिंह ने उनकी जज की कुर्सी संभाल ली। 10 मार्च को सिद्धू की इस विधानसभा चुनाव में हार के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स चटकारे लेने लगे कि अब उनके पास फुर्सत रहेगी और वो अपने दोस्त कपिल शर्मा के शो में फिर अपने ठहाकों और शेर व शायरी के साथ वापसी कर सकते हैं। ऐसे में अर्चना पूरन सिंह की कुर्सी को खतरा है। दिलचस्प बात यह है कि अर्चना ने खुद भी सपोर्टिंग स्प्रिट दिखाते हुए इस मजाक में हिस्सा लिया और एक मीम को रीट्वीट किया, जिसमें कपिल शर्मा को अमिताभ बच्चन की तरह दिखाते हुए कहा गया कि मेरी तरफ मत देखिए, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। देखा गया है कि अक्सर कपिल शर्मा शो में अर्चना पूरन सिंह पर कपिल और शो के अन्य कॉमेडियन सिद्धू का नाम लेकर मजाक करते रहते हैं कि कहीं वो वापस ना आ जाएं। वैसे कपिल शर्मा का शो इन दिनों एक और वजह से भी सुर्खियों में है, वो है विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स के प्रमोशन से जुड़ा विवाद। विवेक का आरोप है कि कपिल शर्मा के शो ने उनकी टीम को प्रमोशन के लिए बुलाने से इनकार कर दिया। जब ट्विटर पर बॉयकॉट कपिल शर्मा शो ट्रेंड होने लगा तो कपिल ने सफाई दी कि ये सच नहीं है और एक तरफा स्टोरी पर यकीन ना करें। बहरहाल फिलहाल तो सिद्धू और अर्चना पूरन सिंह के मीम्स का सब मजा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।